मूवी शुरू होती है जूडी सैंडर्स को दिखाते हुए, जो इमैक्स नाम की एक जेनेटिक रिसर्च कंपनी में काम करती थी। जूडी फिर टेलीविजन पर्सनैलिटी लॉरी टैनर को कॉल करके बताती है कि वो उसके एनिमल क्रुएल्टी के प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे इसके लिए $500 मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 8:30 को कंपनी के नॉर्थ गेट पर मिलेंगे। कॉल कट होने बाद लॉरी अपनी दोस्त एनी, जो कि एक वीडियोग्राफर थी, उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। एनी कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैप्चर करेगी जिससे बाद में वो कंपनी में प्रमोट हो सके। एनी बोलती है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में वो एक बार कंपनी में बताए, लेकिन लॉरी नहीं चाहती थी कि ये किसी को मालूम हो, क्योंकि उसे पता था कि उसका बॉस ये चांस किसी और को दे देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूडी लेबोरेटरी में अपनी ड्यूटी कर रही थी कि तभी वो देखती है कि एक पिंजरा खाली है। वो चेक करने अंदर जाती है, तभी पीछे से एक जानवर आकर उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। जूडी के मरने बाद उधर डॉक्टर जेरेड, जो कि रिसर्च फैसिलिटी का ओनर था, वो आकर उस जानवर को बेहोश कर देता है। अब 8:30 हो चुके थे और लॉरी और एनी नॉर्थ गेट पर पहुंच जाते हैं। जूडी को कॉल करने पर वो पिक नहीं करती, तो वो कार से निकलकर अंदर जाते हैं जहाँ 2 एम्प्लॉयज कचरा फेंक रहे थे। उनके जाने बाद वो अंदर उसी लेबोरेटरी में जाती है जिसे एनी अपने कैमरा में रिकॉर्ड करती है, और इन सब से लॉरी बहुत खुश थी। फिर वो सेकेंड फ्लोर पर जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा पिंजरा एक कपड़े से ढका था। वो कपड़ा हटाती है जिसमें एक मैक्स नाम का कुत्ता था। लॉरी उस कुत्ते के पास जाकर उसका पिंजरा खोल देती है ताकि एनी उसे रिकॉर्ड कर सके। तभी उधर मैनी नामक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों भागने लगते हैं। तब उनके पीछे वो कुत्ता मैक्स भी भागने लगता है। फिर डॉक्टर जैरेट आता है जो मैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स भागते हुए लॉरी के कार में घुस जाता है और लॉरी उसे लेकर वहां से निकल जाती है। फिर डॉक्टर जैरेट पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसके कुत्ते को चुरा लिया गया है और वो कोई मामूली कुत्ता नहीं बल्कि $multi-billion प्रोजेक्ट है। फिर सीन एनी और लॉरी पर शिफ्ट होती है, जो सुपरमार्केट में मैक्स के खाने पीने की चीजें लेने जाते हैं। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चोर आकर लॉरी का बैग चुरा लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब देखकर मैक्स अपनी कार से निकलकर उस चोर के पीछे पड़ जाता है। दोनों अपना गिरा हुआ सामान समेट ही रहे होते हैं कि तभी मैक्स उनके पास लॉरी का बैग लेकर आ जाता है, और ये सब देखकर लॉरी मैक्स से बहुत खुश हो जाती है। घर जाने बाद वो नॉर्मल पेट्स की तरह मैक्स को बैठने उठने खेलने बोलती है, जिस पर मैक्स उसकी कही हर बात मानता है। फिर उसी रात जब लॉरी नहाकर बाहर आती है तो मैक्स उसके लिए टॉवेल भी रेडी रखता है। तभी पेरी, जो कि लॉरी का बॉयफ्रेंड था, वो घर आता है। वो कार से निकलने बाद देखता है कि उसके कार को रिपेयरिंग की जरूरत है। वो अंदर जाकर आवाज लगाता है तो लॉरी कहती है कि वो बाथरूम में है, तो वो दरवाजा ओपन करता है, पर तभी अचानक से मैक्स आकर उस पर भोंकता है। वो बाहर आकर मैक्स के बारे में बताती है और झूठ कहती है कि मैक्स ने उसकी मदद की थी और तब वो उसे वहां से घर ले आई। पहले तो पेरी मना कर देता है, लेकिन उनके बीच में बहस होने बाद आखिरकार उसे मानना पड़ता है, लेकिन वो कहता है कि मैक्स घर के बाहर ही रहेगा। फिर अगले सीन में हम पेरी और लॉरी को बेड में देखते हैं, जो एक साथ अपना टाइम बिता रहे थे, तो मैक्स बाहर से भौंकने लगता है, जिस वजह से लॉरी मैक्स को लिविंग रूम में लाकर शांत रहने बोलती है और अपने रूम में वापस चले जाती है। फिर जब वो दोनों अंदर थोड़ा तगड़ दुम्बा कर रहे होते हैं तो मैक्स ऊपर जाकर ये सब उनके दरवाजे से देखता है और भौंकने लगता है। लॉरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, मैक्स पेरी पर हमला करने जाता है, लेकिन लॉरी उसे पकड़ लेती है। अगली सुबह डॉक्टर जेरेड पुलिस के पास जाकर अपने कुत्ते के बारे में पूछता है, तो पुलिस उसे कुछ चोरों के फोटोज दिखाते हैं ताकि वो पहचाने, लेकिन लॉरी का फोटो उसमें नहीं था, जिसका मतलब उनमें से कोई भी चोर नहीं था। डॉक्टर जेरेड बताता है कि वो कोई अच्छा सा पेट नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। जब ड्रग्स का डोज खत्म हो जाएगा तब वो अपने असली रूप में आ जाएगा। फिर सीन लॉरी के घर शिफ्ट होती है, जहाँ डिलीवरी बॉय न्यूज़पेपर फेंकता है जो सीधा मैक्स को लगता है, और मैक्स हाथ धोके उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन उस डिलीवरी बॉय की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी लॉरी मैक्स को आवाज लगाती है, जिस वजह से वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद एक बच्चा रूडी, जो कि लॉरी का पड़ोसी और साथ में एक डॉग लवर भी था, लॉरी के घर आता है। लॉरी मैक्स को रूडी से मिलवाती है। उसके बाद रूडी मैक्स को बाहर ले जाता है जहाँ पेरी की कार रिपेयर हो रही थी। तभी वो मैकेनिक ऐसे ही मैक्स को कहता है कि वो ब्रेक लाइन लेके आना तो जरा, और मैक्स बरोबर वो चीज उसे ला कर देता है, और ये कमाल देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रूडी मैक्स को अपने फीमेल डॉग से मिलवाने घर ले जाता है। मैक्स को डॉग एक ही झटके में पसंद आ जाती है, लेकिन वो डॉग इससे दूर जाने लगती है, जिससे मैक्स का ईगो हर्ट हो जाता है और वो बहुत भौंकने लगता है, कुछ भी करने का लेकिन मैक्स का ईगो हर्ट नहीं करने का। उसी दौरान हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जिसके पास बेन सैंडर्स नाम का एक आदमी अपनी मिसिंग वाइफ की रिपोर्ट लेकर आया था। फिर डिटेक्टिव और बेन सैंडर्स डॉक्टर जेरेड के पास जाते हैं, और उनके पूछने पर डॉक्टर जेरेड बताता है कि मैक्स एक मल्टी एबिलिटीज वाला कुत्ता है, जिसकी आईसाइट बिल्ली की तरह है, और वो झाड़ पर चढ़ सकता है और उछल कूद कर सकता है, और वो गिरगिट की तरह खुद को किसी भी चीज में ढाल सकता है, और अगर वो गलत हाथों में लग गया तो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होगा। फिर हम रूडी और उसके दोस्त चेट को मैक्स के साथ बाहर वॉक पर देखते हैं। उन्हें एक बिल्ली दिखती है जो उनको बहुत परेशान करती थी, तो ये इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स को कमांड देते हैं,
और फिर क्या होना था, मैक्स बंदर की तरह झाड़ पर चढ़कर उस बिल्ली को जान से मार देता है। ये सब देखकर वो दोनों वहां से निकल लेते हैं ताकि उस कैट का ओनर इन्हें ही ना पकड़ ले। अगले सीन में पेरी घर आता है और बताता है कि मैक्स ने आज क्या क्या कारनामे किए, लेकिन लॉरी को उस पर यकीन नहीं होता। फिर वो दोनों थोड़ा रोमांटिक होकर अपना स्टार्टिंग वाला अधूरा काम करने लगते हैं और मैक्स ये सब बैकयार्ड से देखकर बोलता है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैक्स से ये सब देखा नहीं जाता और बदला लेने के लिए ये पेरी के कार का ब्रेक लाइन ही तोड़ देता है। इसके बाद जब पेरी अपने काम के लिए निकल जाता है तो रास्ते में एक ट्रक आती है और टाइम पर ब्रेक न लगने के कारण वो हैंड ब्रेक लगाकर कैसे तो कार को रोक लेता है। फिर हम लॉरी को देखते हैं जो घर में मैक्स को लॉक करके अपने काम के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही मैक्स दीवार कूदकर रूडी के घर जाता है और रूडी अपने पापा के साथ बाहर गया था और ये देखकर वो उस फीमेल डॉग के पास जाता है। अब वो इससे डरती थी इसलिए वो भागती है, लेकिन आखिर में मैक्स उसे पकड़ ही लेता है। उसके बाद हमें उस घर से सिर्फ उस बेचारी डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है। उसी दौरान डिटेक्टिव्स को एक मर्डर के बारे में कॉल आता है तो वो उधर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो वही आदमी है जिसने लॉरी का बैग चुराया था और डॉक्टर जैरेट से हमें मालूम होता है कि वो मर्डर मैक्स नहीं किया था। तभी डिटेक्टिव उन लोगों को ऑर्डर देता है कि मैक्स जिधर भी दिखे उसे तुरंत शूट कर दो। उसके बाद हम लॉरी और एनी को देखते हैं जो अपने शूट किए गए वीडियो में काम कर रहे थे और पेरी फिर से अपनी कार को रिपेयर करवाने जाता है। जब उसे पता चलता है कि वो ब्रेक लाइन मैक्स ने तोड़ी थी तो वो उसे मारने की सोचता है। यहाँ डॉक्टर जैरेट अपने रोबोट से मालूम करवाता है कि मैक्स में ड्रग्स का डोज खत्म होने में कितने घंटे बाकी है। फिर एक एम्प्लॉय को लैब में एक बुक मिलती है जिस पर लॉरी के वर्कप्लेस का पता लिखा था। इसकी मदद से डॉक्टर जैरेट मीडिया हाउस जाता है जहाँ एनी उसे देख लेती है और वो दोनों रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कहते हैं डॉक्टर जैरेट को अंदर आने मत देना, तो रिसेप्शनिस्ट रे नाम के सिक्योरिटी को बुलाकर उसे भगा देती है। इसके बाद हम मेलमैन को लॉरी के घर देखते हैं जो मेल देने आया था। मैक्स उसकी तरफ बढ़ता है तो ये पागल मैक्स के आंखों पर पेपर स्प्रे दे मारता है। ये नहीं करना था भाई, क्योंकि उसके पेपर स्प्रे का कोई फायदा नहीं होता और मैक्स उस मेलमैन को सीधा भगवान के पास मेल कर देता है। दूसरी तरफ लॉरी को पता था डॉक्टर जैरेट कैसे भी मैक्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए वो वहां से निकल जाती है ताकि वो मैक्स को छुपा सके। दूसरी तरफ पेरी घर आकर मैक्स को खाने में जहर मिलाकर देता है, लेकिन शाने मैक्स को समझ जाता है कि खाने में जहर है और फिर वो पेरी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन पेरी अपनी कार में जाकर खुद को लॉक कर देता है तो मैक्स अंदर आकर वो खाना टॉयलेट में फ्लश कर देता है। वाह भाई। फिर लॉरी घर आकर मैक्स को रे नाम के आदमी के पास देती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जब लॉरी उधर से जाती है मैक्स उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो रे किसी चीज से उसके सर पर मारता है। जब लॉरी कार में होती है तो पेरी उसको कॉल करके ये सब बताता है तो लॉरी बताती है कि उसने मैक्स को किसी और को दे दिया है। इधर डिटेक्टिव्स डॉक्टर जैरेट पर ही शक करने लगते हैं कि उसने ही जूडी सैंडर्स को अपने मैक्स के लिए मारा होगा, क्योंकि उसके लिए मैक्स बहुत कीमती है। यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर जैरेट मीडिया कंपनी में जाके उस सिक्योरिटी को शूट करके मार देता है और एनी के वीडियो रूम में पहुंचता है। अगले सीन में मैक्स उस यार्ड में रे के ऊपर भौंकता है तो वो मैक्स के ऊपर फायर स्प्रे करता है, जिस वजह से मैक्स अपनी चेन तोड़कर उस पर हमला कर देता है। वो डिटेक्टिव उस एम्प्लॉय को डॉक्टर जैरेट के बारे में पूछने पर बताती है कि वो मीडिया कंपनी गया है। फिर हम डॉक्टर जैरेट को देखते हैं जो एनी पर हमला करता है ताकि वो लॉरी के घर का पता बता सके और मजबूर होकर एनी लॉरी के घर का पता बता देती है। लॉरी उदास होकर घर पहुंचती है जहां पेरी उसे एक पप्पी देता है। पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा? हाँ बहन जी। और लॉरी उस पप्पी को स्पाइक नाम देती है। तभी उधर खून से भरा मैक्स आता है जो स्पाइक को देखकर धोखा खाया हुआ महसूस करता है और गुस्से में वो पेरी पर अटैक करके उस पर एसिडिक सुसु कर देता है। उसी वक्त उधर डिटेक्टिव्स और पुलिस भी मैक्स को मारने आते हैं तो मैक्स उधर से भागता है जहां सब पुलिस उसका पीछा करते हैं और वो एक वर्कशॉप में छुपता है जहां पुलिस उसे बदलता देखकर डरकर भाग जाते हैं। घर पर एम्बुलेंस आकर पेरी को ले जाती है जिससे लॉरी को बहुत अफसोस होता है एंड एक डिटेक्टिव लॉरी के घर पर ही रुकता है क्योंकि उसे पता था कि मैक्स इधर कैसे भी आएगा। फिर बैकयार्ड में डिटेक्टिव को मेलमैन की डेड बॉडी मिलती है, तभी पीछे से मैक्स आकर उस डिटेक्टिव को भी मार देता है। इन सब के बाद डॉक्टर जैरेट लॉरी और स्पाइक को किडनैप करके लेबोरेटरी ले जाता है ताकि मैक्स इसका पीछा करते हुए उधर तक आए और लकीली मैक्स इन्हें देख लेता है और भागते हुए वो कार के आगे आ जाता है जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लॉरी स्पाइक को लेकर कार से निकलकर छिप जाती है। तभी उधर मैक्स आता है तो लॉरी उसे अपने पास बुलाती है। तब डॉक्टर जैरेट लॉरी को शूट करने जाता है तो मैक्स उसके सामने आकर खुद वो गोली खा लेता है, पर मरने से पहले वो डॉक्टर पर अटैक करके उसे एक इलेक्ट्रिक केज पर गिरा देता है। तभी स्पाइक गलती से स्विच ऑन कर देती है जिस वजह से 440 वोल्ट के झटके खाने के बाद डॉक्टर की वहीं मौत हो जाती है। फिर सीन सीधा 3 महीने बाद शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि रूडी ने लॉरी को अपने घर अपने डॉग पपीज को देखने के लिए बुलाया था। सभी पपीज उसी डॉग की तरह थे, लेकिन उनमें से एक पपी सबसे दूर होकर अलग बैठा था और उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किसका है। इसका मतलब मैक्स एक खूनी होने के साथ साथ एक रेपिस्ट भी है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
अब जैसा कि आप सबने देखा कि मैक्स एक एक्सपेरिमेंटेड टिबेटन मैस्टिफ ब्रीड का डॉग था और उस पर बचपन से अत्याचार और एक्सपेरिमेंट ही होते आ रहे थे, इसलिए इंसानों के प्रति उसके दिल में नफरत ही भर गई। पर जब लॉरी ने पिंजरे से उसे निकाला तो मैक्स को उससे प्यार हो गया, क्योंकि वो इकलौती ऐसी इंसान थी जिसने उसे आज़ाद करके प्यार से हाथ लगाया था, एंड इस वजह से लॉरी उसके लिए भगवान ही हो गई। वो जो भी कहती मैक्स वो करता, पर उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उस वजह से अगर कोई भी लॉरी के पास आने की कोशिश करता तो मैक्स उन्हें सीधा जान से मारने की कोशिश करता ताकि लॉरी का पूरा ध्यान और प्यार सिर्फ उसे मिले। और एंड में भी जब स्पाइक को देख के उसे धोखा खाया हुआ महसूस हुआ, उसने तब भी लॉरी को बचाने के लिए खुद वो गोली खा ली। और इससे हमें यह सीखने मिलता है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे अगर आप सिर्फ एक बार प्यार से अपना लो और उसके बाद उसे धोखा भी दे दो, वो तो भी वफादार ही रहेगा भले ही उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हो। एंड इसी के साथ ये था मेरा मैन्स बेस्ट फ्रेंड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने डॉग लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि मेरी सारी नई वीडियोस इसी चैनल पर आएंगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाले वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।